कई जगहों पर महामारी ने सिस्टम की सच्चाई सामने लाकर रख दी। कुछ ऐसे ही आरोप यूपी में भी लग रहे हैं। क्या है आरोप, देखिए। तस्वीरों में दिख रहे दोनों शख्स यूपी में बीजेपी के विधायक हैं और दोनों ने ही सिस्टम पर संगीन आरोप लगाए हैं। गोरखपुर से सटे कुशीनगर से बीजेपी विधायक जटाशंकर त्रिपाठी की बिना जांच कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव भेज दी गई है। 25 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद नेगेटिव होने वाले विधायक क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। मैं हतप्रभ हूँ, डरा हुआ हूँ और आश्चर्यजनक ढंग से इस खेल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है क्या खेल। न तो सैंपल लिया गया, न तो कोई जांच आई, न किसी प्रकार की रिपोर्ट की बात हुई। ऐसे ही सिस्टम से नाराज हैं फिरोजाबाद के बीजेपी विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी। विधायक पप्पू लोधी का आरोप है कि उनकी कोरोना पॉजिटिव पत्नी को आगरा के अस्पताल में 3 घंटे जमीन पर लिटा कर रखा गया और अब उनकी तबीयत की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। अभी तक हम लोगों का किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया है। विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से सवाल उठाने पर तो राजनीति कहकर पल्ला झाड़ लिया जा सकता है, लेकिन अपने ही विधायक सवाल उठाएं तो मतलब सिस्टम में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर है। ABP News आपको रखे आगे।